पूरे भारत में तापमान बढ़ते ही लोग ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए उत्तरी हिल स्टेशनों की ओर भाग रहे हैं। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसने लोगों को अवाक कर दिया है। वीडियो भागसुनाग धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से सामने आया है। वीडियो में मास्क पहने एक छोटे लड़के के हाथ में प्लास्टिक का डंडा है। उसे सड़क पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को डंडे से रोकते हुए और आपका मास्क कहां है कृपया इसे पहने कहते हुए देख सकते हैं। ऐसे वो कई लोगों को सड़क पर रोकता है। यह हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। छोटा लड़का जो मास्क पहने हुए था वह अपने प्लास्टिक के डंडे से मास्क नहीं पहने लोगों को रोकता था और उन्हें मास्क पहनने का आग्रह कर रहा था। एक मासूम बच्चे को ऐसा करते देखना हैरान करने वाला था। वायरल वीडियो देखिए। वीडियो वायरल हो गया और 2 लाख से अधिक बार देखा गया। छोटा बच्चा मास्क पहने हुए था और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में जानता था। हालांकि उसकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया गया और वयस्क केवल उसे देखकर मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं। प्यारे लड़के को सभी ने नजरअंदाज कर दिया। कितने दुख की बात है। लोगों ने कहा कि लड़का गरीब था और उसके पास जूते भी नहीं थे। लेकिन वह लोगों को रोक रहा था और उनसे सुरक्षा के लिए मास्क पहनने की आग्रह कर रहा था, लेकिन पढ़े लिखे वयस्क उपेक्षा कर रहे थे। जो बच्चा गरीब है वह लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करके कोरोना मामलों को नियंत्रित करने के बारे में अधिक चिंतित है। लोगों ने कहा कि तुलनात्मक रूप से शिक्षित लोग बेकार हैं।